हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 18.5 में और क्वेश्चन नंबर है 26। क्या कह रहा है कि ए क्लोज सिलेंडर हैज वॉल्यूम 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसके रेडियस का क्या होगा, इसके बेस के रेडियस का क्या होगा, सो दैट इट्स टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम। जब इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा मिनिमम होगा तो रेडियस ऑफ बेस क्या होगा। तो यहाँ पहले लेते हैं कि लेट R and H be the radius and height of the cylinder, ठीक है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम गिवेन है, हमारे पास क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दिया है, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू में 2156 सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी। चलिए तो देखते हैं, यहाँ से एच इक्वल टू में लिख सकते हैं कि नहीं, 2156 बाई में आपका पाई आर स्क्वायर, इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब हमें कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा ना इसका मिनिमम होगा, तो इसका रेडियस ऑफ द बेस क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, तो सरफेस एरिया को एस से डिनोट कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, 2πRh और प्लस में 2πR², है ना, यही ना होगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो s इक्वल टू में 2πR और h की जगह पे ये लिख देते हैं 2156 और बाई में आपका πR² और प्लस का 2πR². तो देखिए, तो यहाँ से r से r एक कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, तो s इक्वल टू में कितना आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो ऊपर आ जाएगा आपका 4312 और बाई में एक r नीचे हो जाएगा और प्लस में 2πR². चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और आगे देखते हैं। लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो यहाँ से डी एस बाई डी आर का वैल्यू क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा माइनस का 4312 और बाई में नीचे हो जाएगा आपका R² और प्लस में इसका हो जाएगा 4πR। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए डी एस बाई में डी आर इक्वल टू में जीरो कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा माइनस का 4312 और बाई में R² प्लस का 4πR इक्वल टू में यहाँ पर जीरो। चलिए अब इसके बाद एक देखिए क्या करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4πR इक्वल टू में 4312 और बाई में R², ये इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना जी। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ R³ हो जाएगा और 4π को इधर लेके चले जाओ, तो 4312 और बाई में 4π, है ना। या इसका वैल्यू भी यहाँ रख सकते हैं, पाई के वैल्यू 22/7, तो चलो रख देते हैं। R³ इक्वल टू में 4312 और बाई में 4 × 22 और नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, है ना जी। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको काट कर देखते हैं, है ना जी, कि कैसे कटेगा। तो ये 4000 कितना है, 312 है ना जी, 4312 में अगर डिवाइड करोगे आप कितना से, आप इससे डिवाइड करें क्या, 22 से, ठीक है ना जी। तो आपका आ जाएगा ये कितना टाइम्स में, 196 टाइम्स में कट जाएगा। अभी 196 तो 4 से कट ही जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 49 टाइम में कट जाएगा। यहाँ से तो मिल जा रहा है R³ इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि रेडियस जो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस रेडियस पर हमें चेक करना होगा कि जो आपके पास सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है वह मिनिमम हो रहा है कि नहीं। तो ऊपर जो आपका डी एस बाई में डी आर था वह माइनस का 4312 और बाई में R² और प्लस का 4πR था। अब इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू R, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस बाई में डी आर स्क्वायर इक्वल टू में इसका डिफरेंस, ये ऊपर जाएगा पावर माइनस में, यानी कि 4312 में आप मल्टीप्लाई कर दो कितना से जी, 2 से, तो आप एक काम करो, आपका आ जाएगा यहाँ से कितना, 8624 और पावर में माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर माइनस का R³ जो नीचे आके प्लस का हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया, आपको पता है कैसे करना है, आप ऐसे कर लेते
और मैंने डायरेक्ट कर दिया इसमें पावर माइनस टू कर दिया कि इसमें मल्टीप्लाई कर देगा और माइनस करेंगे तो पावर माइनस थ्री, जो कि ऐसे हो जाएगा और प्लस में 4π। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं एट आर इक्वल टू 7 पर। तो 7 पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, ठीक है ना जी। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर डी स्क्वायर एस बाई में डी आर स्क्वायर, तो 8624 और बाई में 7 का क्यूब प्लस में यहाँ पर 4π। तो 7 का क्यूब आप जानते ही हैं 343 होता है, 8624 और बाई में 7 का क्यूब 343 और प्लस का 4π। तो चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 343 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, तो उतना नहीं काटो, ये आप दिख रहा है ना कि ये जीरो से ग्रेटर है जी, ये वैल्यू जीरो से ग्रेटर आएगी ना, काटने की क्या जरूरत है, इसे रहने देते हैं। तो जब ये जीरो से ग्रेटर आएगी तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, देयरफॉर सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी मिनिमम व्हेन रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर बी कितना 7 सेंटीमीटर। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन।